हेलो फ्रेंड्स, फिर से और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हो रिप एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये एक सीरीज लैंप है। इसको मैं घर पर बनाया, बहुत ही इजी तरीके से बनाया और आप लोग भी अपने घर पर बना सकते हो इस वीडियो को देखकर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज लैंप को बनाने के लिए मैं इस पांच चीज का यूज करने वाला हूँ। पहले नंबर पे मैं यूज किया हूँ एक बैटन होल्डर, सेकंड नंबर पे यूज करने वाला हूँ एक टू पिन प्लग सॉकेट, थर्ड नंबर पे यूज किया हूँ मैं यहाँ पे टू पिन प्लग, फोर्थ नंबर पे यूज किया हूँ एक मीटर ऑयर जो मुझे 10 रुपीज में 1 मीटर मिला। अब मैं इस ऑयर को 3 पीस करने वाला हूँ सेम साइज में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सेम साइज में 3 ऑयर काट लिया कटर का मदद से। अब मैं इस होल्डर का साथ 2 ऑयर जोड़ने वाला हूँ। पहले इस होल्डर को खोल लेता हूँ। अभी मैं इस ऑयर का इंसुलेशन हटाने वाला हूँ इस कटर का सहायता से। इंसुलेशन हटाने के बाद अभी इस ऑयर को इस होल्डर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। सेम तरीका से इस होल्डर का साथ और एक ऑयर कनेक्ट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, जैसे कि आप लोग घर पर एक होल्डर कनेक्शन करते हो सेम तरीके से यहाँ पर भी होल्डर कनेक्ट कर लिया मैं। अब मैं 2 पिन प्लग को लिया, इसको भी स्क्रू ड्राइवर का मदद से खोल लेता हूँ। अभी इस 2 पिन प्लग का साथ एक सिंगल ऑयर कनेक्ट करने वाला हूँ। सिंगल ऑयर कनेक्ट करने के बाद होल्डर का दोनों ऑयर से एक ऑयर इस प्लग का साथ कनेक्ट कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस 2 पिन प्लग का साथ दोनों ऑयर को कनेक्ट कर लिया और बचे हुए ऑयर को मैं इस कटर का सहायता से काट दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 पिन प्लग को मैं फिर से जोड़ दिया स्क्रू का मदद से। अब मेरा हाथ में 2 ऑयर है, एक है 2 पिन प्लग का साइड से और एक है होल्डर का साइड से। अभी इस दोनों ऑयर का साथ एक 2 पिन प्लग सॉकेट जोड़ने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरा कनेक्शन करना खत्म हो गया। आप लोग भी मेरे तरह कनेक्शन करना, नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज लैंप को बनाकर डायरेक्ट लाइन पर चेक मत करना, कोई भी और एक सीरीज लैंप है तो वहाँ पर चेक करके फिर डायरेक्ट लाइन पर चेक करना। अभी इस सीरीज लैंप को ब्लैक टिप का मदद से असेंबल करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, असेंबल करने के बाद कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं इस सीरीज लैंप का कनेक्शन आप लोग को समझा देता हूँ। इस 2 पिन प्लग का एक वायर डायरेक्ट सॉकेट का साथ जोड़ दिया और एक बैटन होल्डर का साथ जोड़ दिया, और सेकंड नंबर पे बैटन होल्डर का एक वायर डायरेक्ट सॉकेट का साथ जोड़ दिया। यहाँ पर आप लोग 3 पिन सॉकेट भी यूज कर सकते हो। मेरे पास 3 पिन सॉकेट नहीं था तो मैं यहाँ पे 2 पिन प्लग सॉकेट यूज किया हूँ। ये है सीरीज लैंप टेस्टिंग ऑयर, इसको मैं पहले से बना के रख दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अभी सीरीज लैंप को आप लोग का सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले इस बैटन होल्डर में एक 100 पावर बल्ब को लगा लेता हूँ। अभी मैं इस 2 पिन प्लग को डायरेक्ट बोर्ड का साथ कनेक्ट कर लिया, और फ्रेंड्स लास्ट में इस 2 पिन प्लग सॉकेट का साथ इस 2 पिन प्लग को जोड़ देता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कनेक्शन सही था इसलिए इस 100 पावर बल्ब ग्लो हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अभी सीरीज लैंप से आप लोग को कोई भी चीज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दो LED पैनल लिया आप लोग का सामने, इसको चेक करके दिखाता हूँ। इस दोनों वायर को LED पैनल का साथ जोड़ने से इस LED पैनल जलेगा, मतलब ये LED पैनल सही है। फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज लैंप को अपने घर पर बनाकर लाखों रुपया बचा सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज लैंप को बनाकर कोई भी चीज आसानी से चेक कर सकते हो अपने घर पर। और फ्रेंड्स, ये यूनिक सीरीज लैंप आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जॉय एयरकॉम।